Hi guys, in this video we will talk about Article 115. Okay, hopefully you will be able to understand it and grasp it well. ठीक है, सबसे पहले जो आपका सप्लीमेंट्री और एडिशनल या एक्सेस ग्रांट्स है उसकी बात कर लेते हैं. देखिए आर्टिकल 115 क्या कहता है, द प्रेसिडेंट शैल. अब पहले सबसे पहले इसका क्रक्स जान लेते हैं. मैं आपको ऊपर से मोटा मोटी बता दूं कि जैसे हमने देखा आर्टिकल 114 में बोला गया था कि जो आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो टारगेट बोला गया है कि इतने पैसे खर्च होंगे और इतने आपके रिसिप्ट्स आ रहे हैं, तो उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं. तो आपने जितना एक्सपेंडिचर का फ्रेमवर्क बना लिया है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए. लेकिन तब क्या होगा ऐसे केस में, अगर वो एक्सपेंडिचर जितने अलॉट किया गया है उससे ज़्यादा एक्सीड हो जाता है. ऐसे केस में जो प्रेसिडेंट होगा वो दोनों केसेस में, जैसे कि किसी पर्टिकुलर सर्विस पे मान लो ज़्यादा पैसा खर्च हो गया जितना उस सर्विस पे खर्च होना चाहिए था, तो वैसे उस केस में जितना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने कंटेम्पलेट किया गया था उससे ज़्यादा किसी सर्विस में या स्कीम में पैसे खर्च हो गए हैं. और दूसरा केस ये हो सकता है कि जितना किसी पर्टिकुलर ग्रांट को किसी सर्विस के लिए ग्रांट दिया गया था उससे ज़्यादा उसमें खर्चा हो गया, तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो ही विल कॉज टू लेट बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. वो संसद की पटल पे एक दूसरा स्टेटमेंट यानी कि दूसरा नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके इंश्योर करने की कोशिश करेगा, या मतलब लेके आएगा वो नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें नया एस्टिमेट अमाउंट दिखाया जाएगा, नया एक्सपेंडिचर दिखाया जाएगा, और वो हाउस ऑफ पीपल के दोनों हाउसेस यू नो लाइक दैट एक्ट में कॉस्ट टू बी प्रेजेंटेड टू द हाउस ऑफ द पीपल, सॉरी वो लोकसभा में वो प्रस्तुत किया जाएगा. ठीक है, और जो जितना एक्सेस हुआ गया है उसको एब्जॉर्ब करके वो दिखाया जाएगा. तो यही है ए और बी का मतलब. ठीक है, और जैसा केस बनेगा तो इसकी टेक्निकल लैंग्वेज भी आप एक बार देख लीजिए. जो मैंने आपको बोला है कि कोई स्कीम या सर्विस में जो ग्रांट्स दिया गया उससे उसमें एक्सीड पैसा खर्च हो गया जितना आपने प्रिडिक्ट किया था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है उस केस में प्रेसिडेंट आपका नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी लोकसभा के पटल पर रखेगा. सो दिस वाज अबाउट आर्टिकल 115 हेड ए. ओके, ठीक है, तो आर्टिकल 115 क्लॉज ए सेज दैट आई रीड इट, वी शुड रीड इट अलॉन्ग विद इट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वो हमारे माइंड में अच्छे से ग्रास्प हो जाएगा. फिर द प्रेसिडेंट शैल if the amount authorized by any law made in accordance with the provisions of Article 114 to be expended means kharcha kiya for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purpose of that year, or when a need has arising during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new services not contemplated in the annual financial statement for that year. मतलब कोई नया service भी अगर suppose कि वो चीज़ करनी है, वो करना है, वो बाद में रियलाइज होता है. जैसे कई बार होता है ना, हम पढ़ते रहते तो हमें याद आता है अरे नहीं ये टॉपिक तो नया है, ये नया करंट है, तो वो हम पढ़ने लगते हैं, तो उस तरह से हम रिलेट करते हैं. ठीक है, तो 115 जो है ऐसे हो गया. और ये कहते हैं कि ऐसा हो गया या तो आपकी सर्विस, कोई नई सर्विस आपको बीच में जनरेट करने की जरूरत पड़ गई, सपोज साइबर सिक्योरिटी लॉ बनाना पड़ गया, बीच में कोई नया इश्यू इवॉल्व हो गया, तो पैसे अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आने हैं उस केस में. और दूसरा कि किसी सर्विस के केस में जो है उस अलॉटमेंट से ज़्यादा पैसे खर्च हो गए हैं, तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या करेगा, लोकसभा के पटल पर एक नई जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करेगा. ठीक है, सो दिस वाज द आर्टिकल 115 हेड 1. ओके, और आपके प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 112, 13, 14 shall have an effect in relation to any such statement and expenditure or demanded also to any law to be made authorizing the appropriation of money out of the Consolidated Fund of India to meet such expenditure or the grant in respect of such demand as they have effect in relation to the annual financial statement and the expenditure mentioned therein, or to demand for a grant and the law to be made for the authorization of appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India to meet such expenditure or grant. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 112, 113 और 114 जो आपके आर्टिकल्स हैं उनको इनकी कंसेंसस में लिया जाएगा. फिर जब नया हमने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम रखेंगे संसद की पटल पे, वैसा ऐसा बहुत यूजुअली कम ही होता है, तो ऐसा केस में होगा तो फिर जब है उसको उसके कंसेंसस में लिया जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें दोनों 112, 13, 14 ये तीनों आर्टिकल्स जो हैं आपके एप्रोप्रिएशन के साथ डील करते हैं, आपके बजटिंग के साथ डील करते हैं, फाइनेंशियल मैटर के साथ डील करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 115 दैट टॉक्स अबाउट द एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, ओके, जो एस्टिमेट से ज़्यादा हो गए हैं, यू कैन से सप्लीमेंट्री, एडिशनल या एक्सेस ग्रांट्स. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल सी आर्टिकल 116 एंड 17. थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड.